शिवराज सरकार ने राज्य में नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। वहीं अब सरकार के इस फैसले से सियासत का सिलसिला भी तेज हो गया है, जहां कांग्रेस ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। देखिए यह खास रिपोर्ट। शिवराज सरकार ने राज्य में नई आबकारी नीति को मंजूरी दी। सरकार के फैसले पर तेज हुआ सियासत का सिलसिला। कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर जमकर साधा निशाना। शिवराज कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद अब नए वित्तीय वर्ष से प्रदेश में शराब सस्ती हो जाएगी। वहीं अब सरकार के इस फैसले पर सियासत का सिलसिला भी शुरू हो गया है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने शिवराज सरकार पर तंज कसते हुए निशाना साधा है। सरकार की तो आदत पड़ गई है कि घोषणा करो, अब जो उन्होंने शराब की नीति बनाई है इस दृष्टि से बनाई है कि लोगों को पिलाओ, नशे में रखो ताकि उनको सच्चाई न समझ आए। अनाज सस्ता होना चाहिए लेकिन अनाज महंगा और शराब सस्ती, यही है भारतीय जनता पार्टी की नीति। और ये कहा जा रहा है कि जो अवैध शराब बन रही है उसको और उससे लोग मर रहे हैं। अभी भिंड में 4 लोग मर गए, उसके पहले मुरैना में मर गए, उसको रोकने के लिए उन्होंने नीति बनाई है शराब को सस्ती बेचने के लिए। लेकिन ये अवैध शराब बिक कैसे रही है, कौन बेच रहा है और किसके संरक्षण में बेची जा रही है? कई बार हम इस बारे में शिकायत कर चुके हैं, कलेक्टर साहब, एसपी साहब और भोपाल के बड़े अधिकारी और मंत्रीगण सबके पास महीने का हिस्सा पहुंच रहा है अवैध शराब बेचने वालों का, उस पर नियंत्रण क्यों नहीं करते? मरने के बाद एक्शन होता है, जब बिक रही है तब क्यों नहीं पकड़ते? तो पूरे तरीके से ये शराब नीति जो है ये पूरे तरीके से शराब पीने वालों की सहूलियत के लिए हो सकती है लेकिन आम जनता के लिए नहीं है। पता नहीं मंत्रिमंडल में कितने लोग शराब पीते नहीं पीते मुझे नहीं मालूम, और जिन लोगों ने नीति बनाई उनमें से कितने लोग शराब पीते नहीं पीते मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर है कि शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में शराबियों को सहूलियत दी गई है। इतना ही नहीं, शिवराज सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस विधायक रवि जोशी और कुणाल चौधरी ने भी निशाना साधा है। नई शराब नीति को लेकर पूरे प्रदेश की जनता में हाहाकार मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज सिंह जी की सरकार ने शराब नीति पे ये निर्णय लिया है कि शराब घर घर बिके और राजस्व ज़्यादा से ज़्यादा कैसे एकत्रित हो, और सरकार का कहना है कि हमने सस्ती कर दी शराब। इस वक्त जनता के लिए तेल सस्ता चाहिए, खाद्य सामग्री राशन सस्ता चाहिए, बिजली बिल सस्ती चाहिए, जरूरतमंद और गरीब और जनता के लिए जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो सस्ती करते तो उनका निर्णय ऐतिहासिक होता, जनता उस निर्णय को स्वीकार करती। शराब सस्ती करके शिवराज सिंह जी और उनकी सरकार चाहती है कि प्रदेश के प्रत्येक घर में शराब बिके, नौजवान अपने हाथ के लिए काम न मांगे और शराब जैसी लत में लग जाए और प्रदेश का विकास भूल जाए, नौजवान अपना अधिकार भूल जाए, इसमें सरकार लगी है। सरकार ने जिस तरीके से निर्णय लिया है यह निर्णय प्रदेश के विकास में बाधक होगा निश्चित ही, और नशे की लत में नौजवान जब पड़ेगा तो इस प्रदेश के नौजवान को जो हाथ मांगने के लिए आज काम देने की ज़रूरत है तो शराब की ओर धकेला जा रहा है। मैं इस निर्णय की निंदा करता हूँ।
दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश का कि इस प्रकार की सरकार जो खरीदे हुए जनादेश की माफिया के तंत्र के ऊपर बनी हुई सरकार है और आज वही माफियाओं के दबाव में जो घुटने टेकने का काम कर रही है, कभी नकली शराब से मौतें, कभी शराब की एक्सेस से मौतें, और जिस स्थितियों के अंदर मध्य प्रदेश की आम जनता कह रहा रही है कि महंगाई चरम के ऊपर है। खाने का तेल जो 60 रुपए हुआ करता था वो 150-200 हो चुका है। पेट्रोल डीजल जो 50 रुपए लीटर हुआ करता था जब मुख्यमंत्री साइकिल चलाया करते थे, आज वो 100 के पार हो चुका, उसकी चिंता इनको नहीं है। आज महंगाई चरम के ऊपर है, बेरोजगारी चरम पे मध्य प्रदेश में है। सरकार की कैबिनेट को जिसको चिंता मध्य प्रदेश की आम जनता की करना चाहिए, वो शराब माफियाओं की चिंता कर रही है। मुझे लगता है दुर्भाग्य है कि शराब की कमी करने के लिए प्रदेश में बैठे कि शराब को बढ़ाने के लिए बैठे। एक तरफ उमा भारती जी नाटक और नौटंकी करती है कि मैं शराब के खिलाफ अभियान छेड़ूंगी, और उन्हीं की पार्टी की सत्ताधारी दल की सरकार जो खरीदे हुए जनादेश से बनी है वो माफिया तंत्र को संरक्षण देके शराब बढ़ाने के ऊपर के लिए तरह तरह के प्रपंच निकालने का काम करती है। स्पष्ट है इसका पूरी तरीके से विरोध है। मध्य प्रदेश के अंदर शराब बंदी होना चाहिए और कहीं ना कहीं इसको घटाने के उपाय, क्योंकि लोगों के घर में खाने के पैसे नहीं है, पर वो माफिया के उसमें इसे चंगुल में गरीब आदमी फंसता है कि वो शराब पीता और कहीं ना कहीं घर में जिस तरह की घरेलू हिंसा होती है इसकी जवाबदेह सरकार है, और ये खरीदे हुए जनादेश की सरकार उस माफिया तंत्र को संरक्षण देने का काम कर रही है। गौरतलब है कि प्रदेश में कैबिनेट के फैसले के अनुसार शराब कीमतों में 20% तक गिरावट आएगी। अब देखना होगा कि जिस तरह से लगातार शराबबंदी को लेकर मांग उठ रही है, ऐसे में सरकार का ये फैसला कितना भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News TV, भोपाल।